बिहार और देश में चाहे जिसकी भी सरकार हो, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से बिहारियों को तमिलनाडु में दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कई लोगों की जान जा चुकी है। हमारे पीछे देखिए कि ये तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे, जान बचा कर जैसे तैसे यहाँ पे पटना जंक्शन पहुंचे, पटना जंक्शन पे इस वक्त मौजूद है। क्या मुसीबत आ गई आप लोगों को वहाँ पे? यही है कि वहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोग तमिल में कहाँ थे? तमिल में हम ससेला में थे, वहाँ पे काम कर रहे थे। जैसे कि ये कांड हुआ, तिरुपुर में कांड हुआ, जब तिरुपुर में कांड हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, सब तरफ फैलते गया, जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको मार रहा है। हिंदी बोलने पर मार रहा है। अब तो ये पता आधार कार्ड देख कर मार रहा है, अब तो आधार कार्ड देख कर मार रहा है वहाँ पे। पता चला कारण? पता नहीं चला है, कारण ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदी वाला का काम नहीं है, तमिल वाला काम करेगा, सिर्फ यही पता कारण चला, और कुछ भी नहीं। मतलब जो भी गैर तमिल भाषा का है उसको भगा दो, तमिल नहीं हिंदी भाषा का जो भी है उसको भगा दो, तमिल वाला है वो काम करेगा अपना, यहाँ पे हिंदी वाला कोई काम नहीं है। आप लोगों को कब पता चला कि मारा पीटा जा रहा है? हम लोगों को ये बारियर कंपनी का है, देखिए ये पुलिस वाला को बुलवा कर वर्कर को पिटवा रहा है, तिरुपुर का है या तमिलनाडु में है? रहने वाले हैं हम लोग, बिहार के रहने वाले हैं, जो तमिलनाडु तिरुपुर में काम करते हैं। 15 दिनों से हालात इतनी बदतर हो गई है, इतनी बदतर हो गई है, यहाँ पे जो हिंदी वाले जो हमारी उत्तर भारतीय के जो लोग है उन लोगों बहुत अत्याचार हो रहा है। 2000 आदमी को इधर मार दिया गया, काट दिया गया, फांसी पे मतलब लोगों को रूम में घुस कर फांसी लगा के मार दिया गया है और आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित निकाला जाए, कम से कम बिहार में रोजगार की कुछ रोजगार दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सके। तेजस्वी जी उनसे भी एक सवाल है, जो उप मुख्यमंत्री है कि वो पहले जब विपक्ष में थे तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी सत्ता में आने के बाद वो इस मैटर पे कमेंट करने के लिए भी नहीं जाते कि हम इस मैटर पे कुछ बोले या कुछ करें। इस ये हालात है। और खैर नीतीश कुमार की जो पलटू चाचा सर आप लोगों को पता ही है, तो इसीलिए हम लोग से मांग यही हम लोग का मांग है कि कम से कम कुछ हेल्प की जाए ताकि हम लोग यहाँ से अच्छे से निकल सके, सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात की है लगभग 20-25 दिनों से हिंदी वालों कंपनी में काम करने नहीं दिया जाता है, और अगर लोग जाने के लिए भी चाहते हैं कैसे भी करके किराया भाड़ा उपाय करके तो ट्रेन में भी हिंदी वालों को मारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ट्रेन से खींच के उतारा जा रहा है, यही सब बात है। बस हम लोग कैसे भी करके हेल्प किया जाए आधे रास्ते में चाहे जहां तक, बस हिंदी भाषा सुनना और उन लोगों को मारपीट करना। सभी भाइयों को रक्षा कीजिए, 6-7 दिन से बहुत घटना हो रहा है न, 6-7 दिन से बहुत घटना हो रहा है, इसका जिम्मेवारी कोई नहीं है। अगर जब हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हम लोग का मारता है, हम लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं हम लोग को ट्रेन में मारता है, सिर्फ इतना बोलते हैं हिंदी वाला हो या तमिल वाला। अगर जब हम लोग बोल देते हैं हिंदी वाले हैं, हम लोग के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है इस तमिलनाडु में। मेरा यही निवेदन है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी भैया से, निवेदन है इस वीडियो को आप देखिए और हम लोग हिंदी वासियों को आप लोग सहायता कीजिए। जय हिंद।